हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा रसोई। आज मैं आपके लिए सूजी मैंगो केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आइए शुरू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। 300 ग्राम सूजी लेंगे, 1/2 कप चीनी लेंगे, 1/2 कप ऑयल लेंगे, 1 कप मैंगो लेंगे, 1/2 कप कर्ड लेंगे। अब इन सब को एक साथ हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके बैटर रेडी हो गया है, इसे बॉल में डालते हैं। इसे ग्राइंड करते समय 1/2 कप दूध यूज हुआ है। इसे थोड़ा और पतला बनाने के लिए 4 टीस्पून मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। ये देखिए, सूजी एकदम अच्छे से फूल गया है। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसे हमें इतना ही ठीक रखना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स करके रेडी हो गया है। आइए अब इसमें हम टूटी फ्रूटी डालते हैं। ये टूटी फ्रूटी है, इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं, इसलिए मैदा ज़रूर डालें। अब हम इसे बैटर में डालेंगे। और मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। केक टिन में थोड़ा सा बटर लगा के ग्रीस कर ले और थोड़ा सा मैदा डालकर चारों तरफ फैला दे, बचा हुआ मैदा निकाल दे। बैटर को केक टिन में डालेंगे और इसे टैप करेंगे। टैप करने से बैटर सेट हो जाता है, इसे टैप जरूर करें। एक बर्तन में थोड़ा सा नमक डालकर उसे 15 मिनट के लिए प्रीहीट करने रख दिया था। एक कटोरी डालेंगे, अगर आपके पास स्टैंड हो तो स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर केक टिन रख देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये नमक को वेस्ट मत कीजिए, अगली बार आप अगर केक बनाएंगे तो ये नमक यूज़ कर सकते हैं। ये नमक मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। और इसे ढककर 45 मिनट तक बेक होने के लिए रखेंगे। आइए चेक करते हैं, 45 मिनट्स हो गए हैं। इसमें सेंटर में चाकू डालकर जरूर देखें, अगर ये ड्राई निकलता है तो आपका केक रेडी है, अगर ड्राई नहीं निकलता है तो आप इसे थोड़ी देर और पकाएं। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये देखिए, सूजी का मैंगो केक रेडी हो गया है। ये केक एकदम आसानी से बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए आप।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी नई रेसिपीज की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।